सत श्री अकाल साहित्यक सत चैनल से आप जी का स्वागत। मैं हाँ हरमीत कौर। आज की क्लास में हरभजन सिंह रैणू के जीवन अते रचना प्रक्रिया बारे चर्चा करन जा रहे हाँ। सो चैनल ते नवे जुड़े विद्यार्थी चैनल नू सबसक्राइब करन दे नाल नाल बैल दा बटन भी दबा सकते हो तां जो आउण वालियां वीडियोज़ तुहाडे तक समय सिर पुजदियां रहन अते नाल ही चैनल की प्लेलिस्ट दे विच जा के हुण तक जारी कीतियां गईयां लैक्चर लड़ियां भी सुन सकते हो अते चैनल नू अपने होर विद्यार्थी साथियों के नाल सांझा भी करते रहना तां जो वध तों वध विद्यार्थी इस चैनल दे नाल जुड़ के अपनी पढ़ाई नू समय सिर पूरियां कर सकन। सो आओ जुड़दे हाँ अज की क्लास के नाल। मैं कद कहा है मेरे नाल तुरो बना के काफिला, तुरता मैं ही पवांगा तुहाडे नाल, पर यह तो दसो कि तुसा हनेरा चीर के पार करना है जां हनेरे वल ही जाना है। जिहियां भावपूर्त कवितावां दे शायर हरभजन सिंह रैणू दा जन्म 7 मई 1941 ईस्वी नूं पिंड अड़जादा जो कि तहसील नारोवाल विखे पैंदा है जिला सियालकोट दे अंदर आउंदा है अजकल पाकिस्तान दे विच है विखे होया। इन्हां दे पिता सरदार साधु सिंह सन, माता इन्हां दे जदों हरभजन सिंह रैणू की उम्र 1 महीने दी सी इन्हां दे माता अकाल चलाना कर गए और इन्हां दा पालन पोषण इन्हां दे दादी जी ने ही कीता। इन्हां दे परिवार दे विच जो है इन्हां दे पिता अते चाचा प्यारा सिंह जो कि साहित्य रसीए सन दा प्रभाव इन्हां दी जिंदगी दे उत्ते पैंदा रहा। सिक्ख्या जो है इन्हां ने 10वीं तक दी ही हासिल कीती पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो 1960 दे विच और ये प्राइवेट सिक्ख्या इन्होंने ग्रहण की सी। ज्ञानी दे भी पेपर दिते पर उस पढ़ाई नूं सिरे नहीं चढ़ा सके। इन्हां दे परिवार दे विच इन्हां दी पत्नी शिंदर कौर जिसका कि 2008 दे विच देहांत हो गया सी, 3 धियां अते 2 पुत्र रविंदर सिंह अते सुरजीत सिंह रैणू हन। इन्हां दा परिवार अजकल सिरसा विखे रह रहा है और किते वजों हरभजन सिंह रैणू जो हन इन्हां दा मुख किता क्योंकि तरखाणा परिवार दे नाल संबंधित सन। शुरू तो इन्हां दा परिवार जो सी तरखाणे निक्के मोटे काम करदिआं हौली हौली ट्रैक्टर ट्रालियां दी मुरम्मत तो बाद जो है बंदूकां दी मुरम्मत करन दा इन्हां दा जो कार विहार है और एक साहित्य रसीए पाठक दे नाल नाल लेखन दे विच पंजाबी साहित्य दे विच इन्हां दा उगा योगदान रहा है। और 3 जून 2012 ईस्वी नूं हरभजन सिंह रैणू जो है अकाल चलाना कर जांदे हन। रैणू ने पंजाबी साहित्य दी झोली दे विच 7 काव्य पुस्तकां पाईयां। इन्हां ने अपनी उम्र दे विच जो है लंबी उम्र दे विच हालांकि इन्हां ने 1959-60 दे करीब जो है लिखना शुरू कर दिता सी पर इन्हां दा पहला काव्य संग्रह भुख 1970 ईस्वी दे विच आउंदा है। और भुख काव्य संग्रह दे विच इन्हां ने असल दे विच अपने वर्गियां भुखियां रूहां नूं ही समर्पित करदिआं होइआं उन्हां लोकां दे भुख दी उन्हां दे दुख दी बात पाई है। इन्हां ने अपनी जो है ताउमर लेखन प्रक्रिया जारी रखी पर बहुता लिखण नालों ये थोड़ा लिखना ते म्यारी लिखना दे विच यकीन रखते सन। अगन पंखेरू इन्हां दा काव्य संग्रह 1975 दे विच प्रकाशित हुंदा है। उस तो बाद मस्तक अंदर सूरज 1982 दे विच, एंटीने ते बैठी सोन चुड़ी 1999 दे विच प्रकाशित हुंदा है। सुकरात नूं मिल जाना मिलन जाणा 2006 दे विच, भूमिका तो बगैर 2007 अते मेरे हिस्से दे वरके 2011 दे विच प्रकाशित हुंदा है। अगन पंखेरू, मस्तक अंदर सूरज अते एंटीने ते बैठी सोन चिड़ी जो हाईलाइटेड काव्य संग्रह हन इन्हां नूं हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी द्वारा सन्मानित किया गया सी। संपादन भी यह करते रहे जो कि इन्होंने सिरसा तो ही एक मासिक पत्र चिट्टे कान नाम का जारी किया। सह संपादक सूल सराही दे रहे ते आकाशवाणी रोहतक अते आकाशवाणी सूरतगढ़ तो इन्हां दियां जो रचनावां दा पाठ हुंदा रहा।
अपनी इस साहित्यक साधना सदका या साहित्यक कालना सदका भावें इन्होंने जिंदगी दे विच थोड़ा लिखिया है पर म्यारी लिखिया है और उस म्यार नू मद्देनज़र रखते होया जो है इन्हों सन्मान भी हासिल हुए हैं। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी वालों जिमें कि पहला भी दस्या है अगन पंखेरो काव्य संग्रह मस्तक अंदर सूरज ते एंटीने ते बैठी सोन चिड़ी नू सन्मानित किया गया पुस्तकों नू और महाकवि भाई संतोख सिंह पुरस्कार इन्हों 2003 दे विच हासिल होया ते हरियाणा गौरव पुरस्कार मरण उपरंत हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी वालों भेंट किया गया। भाषा विभाग पंजाब वाल द्वारा भी यह सन्मानित होंदे रहे और होर भी बहुत सारिया संस्थावां जो सिरसा फतेहाबाद आदि जिलों के नाल जुड़िया हुई हैं द्वारा इन्हों सन्मानित किया जाता रहा और इन्हों का सब तो वड्डा सन्मान असल दे विच इन्हां दे अपने शब्दों के क्योंकि जदों प्रोफेसर मोहन सिंह सरसा की धरती दे विच आए तो गौरमेंट नैशनल कॉलेज दे विच इन्होंने प्रोफेसर मोहन सिंह नू अपनी एक रचना कौन हसे हुण हासा सुना के काफ़ी जो है हल्लाशेरी जो है प्राप्त की और एक होर वड्डा सन्मान इन्हां दीयां नज़रां दे विच जदों अमृता प्रीतम नू मिलन जाते हैं तो इमरोज़ द्वारा अमृता प्रीतम का जो रेखा चित्र बनाया गया सी उस रेखा चित्र के उत्ते हरभजन सिंह रैणू दीयां काव्य सत्रां दा उलीकिया जाना और उस चित्र दा इमरोज़ द्वारा इन्हां नू विखाया जाना असल दे विच अपनी जिंदगी दा सब तो वड्डा अवार्ड या सन्मान मानते हैं जो इस गल नू जाहिर करदा सी कि हरभजन सिंह रैणू जो सन वो उन्हां दी स्थिति जिहड़ी सी वो पंजाबी साहित्य दे विच कोई अनगौलन योग नहीं सी, वो काफ़ी मकबूलीयत हासिल कर चुके सन, प्रसिद्धि हासिल कर चुके सन। इस तो बाद आ जाता है हरभजन सिंह रैणू दियाँ जो काव्य पुस्तकां हन उन्हां दा विशा पक्ष, क्योंकि हरभजन सिंह रैणू एक अजिहे शायर सन जिन्हां ने अपनियां कवितावां दे जो विषय हन उन्हां नू अपनी विचारधारा दे अनुरूप ही चुनिया है। अमन दे मुदई रहे हन, इता उमर और अमन लहर दे नाल जुड़े भी रहे हन, विश्व शांति दियां बातां पाउंदे रहे हन। जंग संबंधी कवितावां दे विच रैणू अंतरराष्ट्री जो साम्राज्य चालां सन और उन्हां दा लोकाई दे उत्ते की प्रभाव पैंदा रहा इस नूं भी अपनी साहित्य सिरजना दे विच प्रकाशित करदे रहे। हवाले वजों एक उन्हां दी काव्य सत्र है कि तिखी चाल बारूदी जुगदी कल जोगणा झूमर पाया मानवता नूं सुद्धां भुलियां अमन दा मूँह उदासा, जां फिर बर्फां नूं जिथे लांबू लगन हरियावल नूं जिथे औड़ा मौत ना उत्थे तांडव नचना इसका की परवासा, जिस तो स्पष्ट हुंदा है कि ये विश्व शांति दे आलमबरदार वजों हो नितरे। उन्हां दी कविता दे विच जो है प्रगतिवादी विचारधारा हावी रही क्योंकि मूल रूप दे विच ओह प्रगतिवादी शायर सन और इस विचारधारा दे नाल ओह पूरी तरह प्रतिबद्ध भी सन। बड़ी प्रतिबद्धता दे नाल उता उमर अपनी विचारधारा दे उत्ते पहरा देंदे रहे। वह यथार्थ या वर्तमान दे विच जीवन वाला शायर सी, कथनी ते करनी उसकी एक सी, उसकी कविता ते उसकी जिंदगी दे विच जो अमल करदा सी वो एक मुख हो जांदे सन, भाव जो कहिंदा सी वो करदा सी और जो करदा सी वो कहण वालियां चों सी। उस इन्हां गल्लां विच विश्वास रखदा सी कि मनुख जो है उसनू या एक शायर जो है उसनू अपने तन झाक के अनुभव की पेशकारी नू ही अपनियां काव्य रचनावां दा माध्यम बनाउणा चाहीदा है और कदे भी उधारे विचार या उधारे ख्याल जो हन उन्हां दी तर्जमानी करन तो गुरेज करना चाहीदा है। इस दे नाल ही उन्हां दीयां कवितावां दे विच जो है व्यंगात्मकता दा पुट जिहड़ा सी उह काफ़ी गहरा सी। जिवें उह लिखदा है कि कविता नूं कविता तां दर्द नूं बुक्कल च लुका के कदों दी हो गई है अलोप, जदों दा मैनूं लफ्ज़ां नूं तराशना आ गया है, जां फिर हुण विश्वामित्र जिहे तपस्वी जंगली पहाड़ी तप नहीं करदे, आश्रमां बैकुंठां सचखंडां च सब कर रहे ने विहार, सरस्वती दे नां ते लक्ष्मी दी हो रही है आराधना।
ਅਜਿਹੇ ਢੌਂਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਠਕ ਜਾਂ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਾਚਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਦੇ ਨੇਤਰੀ ਲੀਲਾ ਰਾਸ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦਰਸ਼ਕ। ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਦਈ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਲਿਹਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਸਵੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਤੰਗ ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਤੰਗ ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹੀ ਉਸਦੀ ਸੱਚੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੋਝੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਅਮਨ ਦਾ ਅਲੰਬੜਦਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਿਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣੂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪਕ ਪੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣੂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਿਵੇਕਲੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੌਧਿਕ ਰੰਗ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਪਾਠਕ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜੋ ਹਵਾਲੇ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਫ਼ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਾਠਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਸਦੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਿਵੇਕਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਵੰਨ ਸੁਵੰਨੇ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੈ। ਛੰਦ ਮੁਕਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੰਦ ਯੁਕਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਛੰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਰੰਗਣ ਦੇ ਉਸਨੇ ਵਰਤੇ ਹਨ ਔਰ ਉਸਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹਨ। ਬਿੰਬ ਸੱਜਰੇ ਵਰਤੇ ਹਨ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਹਨ, ਅਲੰਕਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਹਨੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣੂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਕਿਆਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੂਝ ਸਦਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਰੈਣੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।